मैं आज जिस लड़की से बात करने वाला हूँ उससे तकरीबन एक घंटा पहले मैंने बात करी थी, कुछ इस तरह। हेलो, ये नमस्कार आलिया जी, मैं दिल्ली वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अभी आप घर पे हैं? अब क्यों, क्या हुआ? 3 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई काट रहे हैं हम, तो हम कुछ घरों को नहीं दे रहे, मतलब 10-15 घर ऐसे हैं जिन आपके इलाके में जिनको हम पानी सप्लाई नहीं देंगे 2.5 दिन तक, है ना? अरे तो उन कुछ घरों में मेरा घर क्यों है? आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आपको इंटीमेट किया है कि पानी नहीं देंगे। अरे लेकिन आप पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? पानी नहीं लोगे से क्या मतलब है आपका? देखिए मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया, मैंने ये कहा 2.5 दिन तक पानी नहीं आएगा, मेरा ये नोटिस देना काम था आपको। मैं आप तो सभी घरों को पानी कम दे सकते हो ना, मेरा ही घर क्यों, कुछ घर क्यों आपने ऐसे सेलेक्ट करे थे कि कुछ घरों को पानी कम दोगे? मैं आपके भेजे में बात नहीं आ रही जब मैंने आपको इंटीमेट। भैया मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे, टाइम पर जब बेल जाती है तो पानी भी पूरा आना चाहिए, अगर पानी कट गया ना तो फिर देखना ऐसी की तैसी कर दूंगी आपकी। मेरे को कोई बहस नहीं करती, मैं यहाँ से पानी काट रहा हूँ 2.5 दिन तक कहीं से। समझ नहीं आ रहा है क्या? जब बेल गया पानी नहीं करना चाहिए, पानी कट गया ना तो तेरी खैर नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है मैडम, मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दोबारा बात करूँ। हेलो, हमसे भी बात कर ले, जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं। क्या कर रही है? कौन? जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं, हमसे भी हा? अकेली है क्या? हेलो, फोन काट रही है जैसे घर से तो बाहर निकलेगी नहीं। कितनी बार कहा है फोन नहीं करने के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी शुरू शुरू में लगती है, बाद में तो सब बढ़िया लगने लगता है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए, मेरे घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आप लोगों ने, मेरे पापा बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो, आप लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है, प्लीज मुझे फोन मत करो, आप लोगों की वजह से मेरी क्लासेस भी छोड़नी है, चाहते हो तुम लोग? आलिया मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि आलिया क्यों गिड़गिड़ा रही थी तुम। एक घंटे पहले जो तुम्हें कॉल किया था किसी ने वो मैं ही था, जब तुम पानी काटने पे इतना तेज भड़क गई थी। आलिया अब क्यों हो गई तुम ऐसी? ये दिल दुखाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें मैं एहसास दिला सकूं, जो आदमी बहुत बुरा काम नहीं कर रहा था, जिसने तुम्हारा पानी काटने की बात करी थी और तुमने उसकी हालत खराब कर दी थी चिल्ला के और उसको डांट के, तो इनकी वजह से गिड़गिड़ा क्यों रही हो आलिया? आलिया मुझे मालूम है, और ये तुमने नहीं कहा, ये तो तुम्हारी दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उसने मुझे बता दिया कि तुम कितना डरती हो उन लड़कों से। आलिया मैं बताऊं कि पूरी दुनिया ये कहती है कि लड़कियों की इज्जत करो और लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है तुम्हें, लड़कियों की इज्जत तब तक नहीं होगी और लड़कियां डरना जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक लड़कियां खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी। आलिया सिंपल छिचोरे लड़के हैं वो जो तुम्हें छेड़ते हैं, अगर तुम इस तरह हाथ जोड़ोगी उनके तो उनके दिल इतने खुल जाएंगे कि अब तो खौफ बैठ गया, अब तो हर लड़की को उठा सकते हैं। आलिया एक बात बताओ, आज तो सिर्फ इस खौफ से तुम हाथ जोड़ रही हो उनके कि तुम्हें कोई छेड़ ना दे, खुदा ना खास्ता ये सोचो कि कल को वो कहें कि हम तेरे घर में आके तेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो भी तुम हाथ ही जोड़ोगी? आलिया दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक खुद तुम अपनी मदद नहीं करोगी। आलिया मैं सिर्फ तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बार सिर्फ एक बार मेरे कहने से अगर वो मनोज लड़का तुम्हें छेड़ता है तो भरे बाजार में थप्पड़ मार देना उसके और इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरी मार्केट जमा हो जाए। आलिया तुम्हें मालूम है इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि तुम डरती हो। आपको मालूम है, मुझे सब मालूम है। कम ऑन आलिया, ये कमीने किस्म के इंसान जो तुम्हें डराते हैं और तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही डरती रहोगी, और मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन आलिया मैं चाहता हूँ कि तुम में खुद में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा हो गया कि आज ये लड़का नहीं छेड़ेगा तो कल को कोई दूसरा लड़का छेड़ेगा, तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ आलिया, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल, क्यों घर से निकलना मुश्किल कर रखा है? क्योंकि तुम घर से नहीं निकलती हो। ये लोग मुझे डराते हैं आलिया, क्योंकि तुम डरती हो। मुझे बिल्कुल सही बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारा पानी काट दूंगा तो तुम डरी थी? नहीं। तुमने हक के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे घर का अगर पानी कटेगा तो मैं आप लोगों को सीधा कर दूंगी। जब पानी की छोटी सी बात पे तुम चिल्ला सकती हो और इतनी बड़ी बात पे कि जो तुम्हारी इज्जत की बात है इस पे तुम गिड़गिड़ा रही हो और उनके हाथ पैर जोड़ रही हो। आलिया इतना तेज थप्पड़ मारना उसके मुंह पे कि उंगलियों के निशान छप जाए। हम सब तुम्हारे साथ हैं अगर तुम अपने साथ हो। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि औरत को कमजोर खुद औरत बना रही है, लड़की को कमजोर खुद लड़की बनाती है,
आलिया, ये मुमकिन नहीं है ना कि 24 घंटे तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहे। ये तो तुम्हें खुद हिम्मत दिखानी होगी ना कि कोई मायका लाल तुम्हें छू ना सके और बदतमीजी ना कर सके। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पुलिस तुम्हारे साथ है, फिर क्यों घबराती हो? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये कमीना मुझे अब दिखा ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। कल कितने महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये आपसे। उसकी बाप में भी हिम्मत नहीं होगी अब कि वो मुझे कुछ कह के भी दिखाए। और हमेशा याद रखना आलिया कि तुम सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत खुद हो अपनी। अब नवेद, आप देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अगर इसने दोबारा मार्केट में छेड़ा या मुझे फोन किया तो।